बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अक्सर विवादों में घिरते हैं बयानबाजी को लेकर, चाहे वो बयानबाजी शराबबंदी पर हो या वो बयानबाजी सामाजिक स्तर पर अपने समाज को बढ़ावा देने को लेकर। जीतन राम मांझी अपने हिसाब से तो बयान सही देते हैं, लेकिन वो बयान कब विवादों में बदल जाता है ये शायद उनको भी नहीं पता। इसीलिए पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें जीतन राम मांझी रामदास अठावले के साथ मंच साझा कर रहे थे और उन्होंने कह दिया कि हमारे बयान को तो हर बार गलत तरीके से पेश किया ही जाता है, इसलिए कुछ भी बोलने से अब हम बचते हैं। लेकिन एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने ऐसा कांड कर दिया है कि महागठबंधन खेमे में बड़ा बवाल मच गया है। दरअसल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 30 तारीख को बड़ा फैसला करने जा रही है। दानिश रिजवान राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया और कहा कि पार्टी के संस्थापक संरक्षक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री संतोष सुमन हम पार्टी सेकुलर के नेताओं के साथ आगामी 30 दिसंबर को लिट्टी विद मांझी कार्यक्रम के तहत मुलाकात कर दल के साथ साल भर के कार्यक्रम एवं आगामी रणनीतियों पर चर्चा करेंगी। दानिश रिजवान ने बताया कि 30 दिसंबर को हम पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित लिट्टी विद मांझी कार्यक्रम के पार्टी में प्रदेश के सभी महागठबंधन के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। हम पार्टी के आयोजन इस कार्यक्रम में सभी लोग शामिल हो। 30 तारीख के इस कार्यक्रम को लेकर जीतन राम मांझी पहले से तैयारी में है और इस कार्यक्रम में महागठबंधन के नेताओं का जुटान कर जीतन राम मांझी अपने द्वारा तैयार किए जा रहे लोकसभा सीटों पर चर्चा कर लेंगी। जीतन राम मांझी बड़ी ही चालाकी से अपनी जो मांगे हैं उनकी 7 सीट पर चुनाव लड़ने वाली बातें हैं उसको साफ करेंगी और महागठबंधन का नेतृत्व चाहे नीतीश कुमार के हाथ में रहे या डिप्टी सीएम तेजस्वी के हाथ में, जीतन राम मांझी अपने फैसलों को पहले ही प्रदर्शित कर देना चाहते हैं ताकि आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार का कोई भी घटना न हो। और जीतन राम मांझी पहले भी कई बार इस तरह का बयान दे चुके हैं गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर और कैसे चुनाव लड़ा जाएगा इसको लेकर। ऐसे में इंतजार करना होगा मांझी के बयानबाजी से क्या कुछ परिवर्तन होता है और 30 तारीख को जीतन राम मांझी इसके अलावा क्या फैसले लेते हैं। इसलिए ये अचानक से लिए जाने वाले फैसलों को लेकर भी वो जाने जाते हैं, सरकार पर अचानक से बयानबाजियों को लेकर भी जाने जाते हैं। और पिछले दिनों जहरीली शराब कांड से पहले ही उन्होंने शराबबंदी पर बयान दिया था और वो कांड हुआ, लेकिन उसके बाद जीतन राम मांझी कोई बयान नहीं दे रहे हैं। तो कम संभवतः 30 तारीख को जीतन राम मांझी एक विस्फोटक बयान देने वाले हैं जिसकी आशंका पहले से ही जताई जा रही है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386।